गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि एक पोइम है, द नॉटी बॉय। आज हम इसको समझेंगे कि ये पोइम है क्या। ये पोइम लिखी है जॉन कीट्स ने, जिसमें कि एक शरारती बच्चे के बारे में वो बता रहा है कि वो बच्चा अपने घर से दूर चला जाता है स्कॉटलैंड में, जो कि एक और नया देश है। ये भाग जाता है ये अपने घर से नई जगह पे स्कॉटलैंड में, वहाँ के लोगों को देखने, वहाँ की तहजीब देखने, वहाँ की दुनिया देखने, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ लोग क्या करते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचता है उसको कुछ अलग नहीं दिखता। वो देखता है वहाँ पर भी वही मैदान है, वहाँ पर भी वही मैदान है जो कि बहुत सख्त होता है, वही चीज़ों की लंबाई है जो कि उसके अपने देश में थी, वही गाने गा रहे हैं और उतने ही मज़ेदार गाने हैं, खुशी के गीत हैं जो कि उसके देश में थे। वैसे ही चेरी है, चेरी फ्रूट होता है जिसको हम कश्मीरी में गिलास कहते हैं, जो कि बहुत मशहूर है। तो चेरी है यहाँ पर, चेरी का मतलब फ्रूट्स है। वहाँ पर भी वही मेवे हैं जो उसके देश में है, वो वैसे ही, उनका रंग भी वैसा ही है, वहाँ के मेटल्स, वहाँ की हर कोई चीज़, वहाँ पर भी जो फोर स्कोर को हम यहाँ पर 80 कहते हैं तो वहाँ पर भी वही 80 कहते हैं। वहाँ के घरों के दरवाजे भी लकड़ी के हैं जैसे कि इंग्लैंड में है। तो यहाँ पर जो ये लिखा है यहाँ पर एज इन इंग्लैंड, तो इसे पता चलता है कि ये बच्चा इंग्लैंड का है जो कि स्कॉटलैंड पहुँचता है। तो इस वजह से ये बहुत हैरत में होता है और वो अपने जूतों में वहीं खड़े होता है, वैसे ही खड़े होता है, सोचता है और वो हैरान होता है और वो खड़े होता है और वो खड़े होता है और वो हैरान होता है। तो ये है इस पोइम जो ये लिखी है। अब इसका पोइम का मतलब क्या है, ये पोइम क्या है? ये पोइम है हर इंसान के लिए जो कि अलग अलग दुनिया घूमना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उसको लगता है कि हमारा जो देश है वो अच्छा नहीं है, जो दूसरा देश है वो ज़्यादा अच्छा है, उधर शायद कुछ अच्छा होगा, यहाँ से ज़्यादा कुछ अच्छा होगा, यहाँ से कुछ मॉडर्न होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये हमारा जो है, यह हमारा जुनून होता है, हमारी खुद की कल्पना होती है, खुद का हमें तसव्वुर होता है, ये खुद का हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, हम देखेंगे कि वहाँ के लोग भी हमारे जैसे ही हैं, वहाँ भी खाना पीना हमारे ही जैसा है, वहाँ पर भी कपड़े पहनते हैं, हम बातें करते हैं, खुशी में खुशी के गीत गाते हैं, दुख में दुख बनाते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं। वहाँ पर भी जो हमारे देश में जो जिस चीज़ के जो मायने होते हैं, वो वहाँ पर भी उस चीज़ के वही मायने हैं। मेवे भी एक जैसे होते हैं, हर कोई चीज़ एक जैसा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। और जो ये शरारती बच्चा यहाँ पर बताया गया है, वो हम खुद है, हमारे अंदर का शरारती बच्चा है, हमारे अंदर की सोच शरारती सोच है जो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि नहीं हम जाएं हम देखें। तो इसी उदयपुर में हम रहते हैं कि हम जाएं हम देखें। तो ये असल में ये पोइम जो जॉन कीट्स ने हैं लिखी है, ये उसी शरारती बच्चे की, जो हमारे अंदर वो शरारती बच्चा है उसी को मद्देनज़र रख के उसने एक शरारती बच्चे की कल्पना की और उसके ज़रिए ये पोइम लिखी कि वो शरारती बच्चा क्या करता है। वो अपने घर से स्कॉटलैंड पहुँचता है और वहाँ पर उसको लेकिन हर कोई चीज़ एक जैसी ही दिखती है। ठीक है बच्चों, तो ये है पोइम। अब हम पोइम पढ़ेंगे। देयर वॉज ए नॉटी बॉय एंड ए नॉटी बॉय वॉज ही। एक शरारती बच्चा था और वो बच्चा शरारती था। He ran away to Scotland, the people there to see। और वो घर से भागा स्कॉटलैंड, वहाँ के लोगों को देखने के लिए। Then he found that the ground was as hard। तो वहाँ पर उसने क्या पाया कि वहाँ का जो ग्राउंड है, मैदान है,
वो उसके देश के मैदान की तरह ही सख्त है। दैट ए यार्ड वॉज एज लॉन्ग, और यार्ड एक लेंथ होती है जो 3 फीट की होती है। 3 फीट लेंथ अगर हम मेजर करें कहीं पर, उसको एक यार्ड कहते हैं। तो वहाँ पर भी एक यार्ड उतना ही लंबा है जितना कि उसके देश में है। दैट ए सॉन्ग वॉज एज मेरी, वहाँ पर भी वो गाना उतना ही खुशनुमा था जैसे उसके देश में है। दैट ए चेरी वॉज एज रेड, और चेरी वहाँ का चेरी वहाँ की चेरी भी उतनी ही लाल थी जितनी उसके देश में होती है। दैट लेड वॉज एज हेवी, वहाँ के मेटल्स जो हैं, जो वहाँ के मेटल्स मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि सोना चांदी लोहा, ये सब मेटल्स होते हैं। तो वहाँ पर जो ये सोना चांदी लोहा ये सारी चीज़ें, वो उतनी ही हेवी है जितनी कि उसके देश में। दैट 4 score वॉज एज 80, 4 score होता है, स्कोर 20 के बराबर होता है, 20 को स्कोर भी कहते हैं, 4 हो गया 4, अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 80 आता है। तो कहता है कि 4 score 80 हमारे देश में भी है, तो यहाँ पर भी 4 score 80 है। दैट ए डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड, तो दरवाज़ा भी वहाँ लकड़ी का है जैसे कि इंग्लैंड में था। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो यहाँ पर ये लाइन आती है एज इन इंग्लैंड, इससे ये पता चलता है कि ये बच्चा इंग्लैंड का है। तो इसलिए यहाँ पर इसने ये कंपेयर किया कि इंग्लैंड में भी ऐसा ही दरवाज़ा होता है, चूँकि ये बच्चा पहली बार इंग्लैंड से स्कॉटलैंड पहुँचा, अपने घर से स्कॉटलैंड। तो इससे यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये बच्चा इंग्लैंड का है और ये इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाता है ये लोगों को देखने, वहाँ की तहजीब देखने। लेकिन वहाँ पर इसको एक जैसा ही सब कुछ दिखता है, अपने देश जैसा ही। सो ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वंडर्ड, तो वो इसलिए वो अपने जूतों में ही रहा, मतलब वो वैसे ही रहा, उसने कुछ अलग नहीं किया, वहाँ पर इधर उधर घूमा नहीं, बस उधर ही रहा और हैरत में रह गया कि एकदम से अगर हम जैसे कि कोई कहीं पर हम जाएंगे और हमें ये उम्मीद होगी कि भाई वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर शायद इस नई जगह जाएंगे, शायद वहाँ पर मेवे जो होते हैं वो हलवाई बनाते होंगे और पेड़ों पे मिठाई उगती होगी, शायद वहाँ पर फूलों की जगह टॉफियां वहाँ पर मिलती होंगी, फूलों की बागों में शायद टॉफियां मिलती होंगी। तो ऐसा कुछ अलग से उसने कुछ सोचा था, लेकिन वहाँ पर क्या मिला उसको, जैसा उसका अपना घर था, जैसा उसका अपना देश था, वैसे ही उसने वहाँ पर भी पाया। तो इसलिए वो हैरत में था, तो वो जूं का त्यों जैसे का तैसा वहीं खड़ा रहा। तो ये उसका यही इस लाइन का वही मतलब है, सो ही स्टूड इन हिज शूज, तो वही का हैरत में वो वहीं का वहीं वैसे ही खड़ा रहा। ही वंडर्ड एंड ही वंडर्ड, और वो हैरत में रहा। ही स्टूड इन हिज शूज, और वो हैरत में रहा कि क्या ये सब ऐसे ही है, और अब वहीं पर खड़ा रहा हैरत में अपने ही जूतों में, और फिर वो उसी हैरत में फिर से रहा अपने ही जूतों में। ठीक है, तो ये पोइम जो है ये जॉन कीट्स ने लिखी है, जो जिसमें कि वो एक बच्चा एक चला जाता है अपने घर से दूसरी जगह की तहजीब तमीज़ देखने, लोगों को देखने, और वो वहाँ पर पाता कि सब एक जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो ये शरारती बच्चा है यहाँ पर, ये शरारती बच्चा हमारे अंदर का शरारती बच्चा है, हम सब लोगों के अंदर का शरारती बच्चा है, जो चाहता है कि नहीं हम जाएंगे, शायद उधर अलग कुछ होगा, शायद ये अलग ये कुछ होगे। तो ये वही चीज़ है इसमें, और वही बातें हैं, वही सोच है जो हम सब लोगों में होती है। हम सब लोगों में यही सोच होती है, वहाँ जाएंगे शायद वहाँ कुछ अलग होगा, लेकिन वहाँ पर अलग कुछ भी नहीं होता है, वैसा ही सब कुछ होता है। तो ये पॉइंट इसी के बारे में है। कल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में ये न्यू वर्ड्स हैं, नए अल्फाज हैं और उनके मीनिंग वगैरह हैं, उनका मतलब है, ये करेंगे और इसके आगे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आदाब, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।